दिल्ली में बुधवार को यमुना नदी का जलस्तर रिकॉर्ड किया गया 208.08 मीटर। इससे पहले 45 साल पहले 1978 में नदी का जलस्तर 207.49 मीटर पहुंचने का रिकॉर्ड था। यमुना में बढ़े हुए जलस्तर के मद्देनजर निचले इलाकों में रहने वाले लोगों से तुरंत जगह खाली करने की अपील की गई। हजारों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जा रहा है। वहीं नदी के पास के घरों और बाजारों में पानी घुस गया है, जिससे उन्हें तमाम परेशानियों से दोचार होना पड़ रहा है। इस घटना ने 6 सितंबर 1978 की उस घटना को ताजा कर दिया, जब दिल्ली के इलाके में अचानक ही बाढ़ का पानी घुसने लगा और लोगों में अफरा तफरी मच गई थी। यमुना नदी में लगातार पानी के बढ़ते जलस्तर की वजह से लोगों को अपना घर तक छोड़ना पड़ गया था। यमुना का जलस्तर 45 साल बाद फिर से देश की राजधानी दिल्ली में बढ़ते हुए नजर आ रहा है। आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि एनडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद है। आप देख लिए, एनडीआरएफ में कैमरामैन से बोलूंगा, एनडीआरएफ की टीम को दिखाएं। आप देख सकते हैं एनडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद है और तमाम ऐसे सुविधाएं दिल्ली सरकार द्वारा दिया जा रहा है, केंद्र सरकार द्वारा। जो भी लोग यमुना के किनारे रहते थे उनको सेफली बचा दिया गया, उनको बाहर ले गया। आपको बता दूं जलस्तर है वो 207.49 मिलीमीटर पहुंच चुकी है। इसके वजह से लगातार देश की राजधानी दिल्ली में बाढ़ की स्थिति बढ़ते हुए नजर आ रही है। आज साफ तौर पर हमारे पीछे देख सकते हैं कि किस तरीके से यमुना की जो पानी है वो सड़कों तक आ चुकी है। अब देखना ये होगा कि आखिरकार ये पानी कब तक रहेगी, क्योंकि जिस तरीके से बात की अरविंद केजरीवाल की, तो अरविंद केजरीवाल ने साफ तौर पर अमित शाह को लेटर लिखते हुए कहा कि उन्होंने कि जल्द से जल्द डैम को बंद किया जाए, जिसके वजह से दिल्ली की जो पानी है वो काफी दूर चला जाए, इसके बाद खोला जाए। लेकिन अभी तक इस पे कोई सुनवाई नहीं हुई है। लेकिन आप साथ देख सकते हैं कि दिल्ली, देश की राजधानी दिल्ली में बाढ़ की स्थिति बढ़ती हुई नजर आ रही है। अनिश तिवारी।